ये मंत्री मुसलमान कोटे से बने हैं, मुसलमान वोटों पे जीते हुए। जो लोगों ने ऑनलाइन बुक करे हैं उनको जाने की परमिशन दिया जाए। बोले ऑनलाइन बकरा खरीदो, बकरे 100-100 किलो के मर गए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे। सीएम साहब आप प्लीज अपना निर्देश जारी कीजिए। बकरीद तो बकरीद, बकरों को लेकर सियासी जंग। एक नहीं दो नहीं दर्जनों बकरों का ट्रक बॉर्डर पर खड़ी। हंसते खेलते बकरे ट्रकों पर चढ़े थे, मरने के बाद जमीन पर कैसे पड़े हैं। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरीद तो बकरीद, बकरों को लेकर सियासी जंग शुरू है। ऑनलाइन खरीदा हुआ बकरा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ट्रक के ट्रक कतारों में पिछले एक हफ्ते से तो कोई 3 दिन से खड़ी है। पुलिस ने उन्हें रोका है। इधर उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष के नेता हाथ जोड़कर मना रहे हैं, फिर भी सरकार अपने फरमान पर कायम है, कुछ बदलाव नहीं करना चाहती है। और उधर महाराष्ट्र बॉर्डर पर किसान व्यापारी की अपील से उद्धव सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है बकरे मर जाएंगे ट्रकों पे लदे लदे, लेकिन सरकार उन्हें आने की अनुमति नहीं देगी। पिछले एक हफ्ते से तो कोई 3 दिन से बकरे ट्रकों पर लदे के लदे हैं और सैकड़ों बकरे मर गए। सत्ता पक्ष के लोग कल सीएम उद्धव ठाकरे से मिले, लेकिन इस बकरीद को लेकर नई गाइडलाइन पर बात नहीं बन पाई। कौन लोग गए थे? ये वही लोग गए थे जो इस महाआघाड़ी सरकार में शामिल हैं। इसी मुद्दे पर आज हाजी अरफात ने क्या बयान दिया है वो हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले कि आप इन बकरों को देखें हंसते खेलते बकरे ये मर गए, उससे पहले कि आप इन बकरों को देखें हंसते खेलते बकरों को ट्रकों में लादे गए थे और भूखे प्यासे बकरे ये मर गए, ये तस्वीर है महाराष्ट्र बॉर्डर की, जहां इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये अपील कर रहे हैं मगर कौन सुनता है इनका। अब बात करते हैं हाजी अरफात की, जिन्होंने बकरों को लेकर बकरीद व राज्य नेताओं व सरकार पर किस तरह से तीखा प्रहार किया है, आप सुनिए। महाराष्ट्र के मंत्री, माइनॉरिटी के मंत्री नवाब मलिक जी और असलम शेख जी मंत्री को ये शायद मुसलमानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने एक फतवा निकाला है कि ऑनलाइन बकरा खरीदो, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर इन्होंने बचपन से लेकर आज तक के कभी ऑनलाइन जाके बकरा ख़रीदा था क्या? इनके सबसे दुख ये हो रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के उलमा क्यों चुप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलिम क्यों चुप बैठे हैं कि बकरा ख़ास तौर पर कुर्बानी का जो है, अगर हम जब ख़रीदते कुर्बानी के कुछ शराइत है और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि बकरा बीमार नहीं होना चाहिए, बकरा सींग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बकरे के अंदर कहीं पे कोई गाँट कोई फोड़ी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ उसको दांत देखा जाता है कि वो 2 दांत का है कि नहीं, उसकी उम्र देखी जाती है कि वो 1 साल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कुर्बानी का बकरा ख़रीदा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, तभी उसके ऊपर हम कुर्बानी जायज़ मानी जाएंगे, नहीं तो उस कुर्बानी को हम जायज़ नहीं मानेंगे। ये बात हमारे उलमाओं ने बताना चाहिए था जिस दिन ये लोग डिक्लेयर किए ऑनलाइन बकरा। मुझे लगता है कि ये मंत्री किसके फेवर में काम कर रहे हैं, इनको मुसलमानों के अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया गया, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया, ये मंत्री मुसलमान कोटे से बने, मुसलमान वोटों पे जीते हुए, मुसलमान इलाकों में जीते और महाराष्ट्र के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे। बोले ऑनलाइन बकरा खरीदो, मैंने तो पहली बार बात सुनी, ये अजीब बात है, ये इनको शर्म आनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि इस तरीके की बात कर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बताना चाहिए था, कल 10 आमदार मंत्री अबू हशीम आज़मी से लेकर नवाब मलिक से लेकर नसीम खान से लेकर ये सारे जो लोग और जितने नसीम बाबा सिद्दीकी का बेटा उनसे लेकर, और सबसे बड़ी बात उसमें एक मुफ्ती, हमारे मुफ्ती भी मौजूद थे जो आमदार बन के आए मालेगांव से, ये सब तो मुफ्ती मौलाना नहीं था लेकिन वो तो मुफ्ती थे, उनको तो पता था, वो तो बता सकते थे ना कुर्बानी के क्या रूल्स है, इस्लाम के क्या रूल्स है, किस तरीके से कुर्बानी की जाती है, ये सारी बातें उन्होंने बताना चाहिए था, शरद पवार साहब को बताना चाहिए था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब बातें नहीं बताई। ये 100% फेलियर हो गए। मैं समझता हूँ इन लोगों को तो
मंत्री पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। ये अगर ऑनलाइन बकरा बेच सकते तो और बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन, नमाज भी ऑनलाइन पढ़ो बोलेंगे, ये तो अच्छी बात है। इनको समझ नहीं है या समझा नहीं पा रहे या समझ के अपने आप को पागल लोगों को बना रहे और खुद या तो पागल बन रहे, ये इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये किए जा रहा है, ये मैं इसका बिल्कुल निषेध करूँगा। और दूसरी बात, आपने जो कही रस्ते पे गाड़ियों की, साहब मैं आपको कहूँगा कि कल 10 बजे से गाड़ियाँ कई टोल नाकों के ऊपर खड़ी है, और खड़े रहने के बाद बकरे अंदर भूखे, बकरों को पानी नहीं है, बकरे जिसने लाया उसके 80-60 हज़ार रुपया उसका भाड़ा लग गया, लाखों रुपए के बकरे अंदर है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने कहा ऑनलाइन, चलो हम मानते हैं ऑनलाइन, जब ऑनलाइन लेने के बाद हमारे लोग कल्याण गए और कई जगह जगह पे जाके बकरे खरीदे, खेड़े गांव में जाके बकरे खरीदे और ख़रीद के अपने बिल्डिंगों में ला रहे, जैसे साकीनाका होने दो, कुरला होने दो, चेंबूर होने दो, मुंबई भिंडी बाज़ार होने दो, मीनारा मस्जिद होने दो, ऐसे कई जगह पे लोगों ने बकरे खरीदने के लिए चले गए और वहाँ पे बकरे खरीदे, और लाते वक्त 20 बकरे, 40 बकरे, 30 बकरे पूरी सोसाइटी ने मिलकर खरीदी, बैंड्रा में कई लोगों ने खरीदा, उनके बकरों को रोक दिए। ये कौन सी तमाशा लगा के रखे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि भैंस और बकरा जो गाड़ी जा रही उसको नहीं रोका जाए, खुद नवाब मलिक कह रहे आज सुबह कह रहे, तो मुझे लगता है कि ये कह रहे सरकार में ये, और ये बोलते हम बात करेंगे, तो ये मंत्री ये किससे बात करेंगे? आमदार कहते हैं, अबू हशीम आजमी कहते हैं, बाबा सिद्दीकी का बेटा कह रहा है, जिशान सिद्दीकी, हम सरकार में कहेंगे, अरे तुम खुद सरकार हो, सरकार में रहने के बाद सरकार से कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप कौन सुनने वाला है आपकी? यानी आप 100% लोगों को गुमराह कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे। मैं कह सकता हूं कि मैं तो अपोजिशन में हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार से बात करता हूं, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन सरकार में रहकर, ये सरकार का एक पार्ट है, सरकार का हिस्सा है। अब हशीम आजमी इतने दिन चिल्ला रहे थे मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिंदाबाद कह रहे थे, आप क्यों नहीं बोलते? आपके इलाके में गवंडी के अंदर क्यों नहीं आप बोल रहे हो? मैंने इनको एक सुझाव दिया था कि अब देवनार इतना बड़ा है जिसमें हम 1.5 लाख से 2 लाख बकरे ला सकते हैं, अब अगर इससे अच्छी तो जगह नहीं है। अब ये दिमागदार आमदार, ये दिमागदार मंत्री कह रहे हैं कि अपने अपने इलाके में थोड़ी थोड़ी जगह पे हम बकरा बेचने का परमिशन देंगे। मैंने उनको कहा था देवनार से अच्छी जगह कोई नहीं है, देवनार में आप जाओ और वहाँ पे लिमिटेड रोज ऑनलाइन, जैसा टिकट हम ऑनलाइन खरीदते, रेलवे टिकट हम ऑनलाइन खरीदेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन जब खरीद सकते, तो ऑनलाइन कम से कम अगर जब 1 लाख बकरा आ रहा है तो हम 1 लाख की जगह पे वहाँ देवनार में 25,000 बकरा बुलाओ, जब वो ख़त्म होगा तो फिर और बकरे बुलाओ। लोग जा रहे, जब एक टाइम पे लोग 1 लाख लोग अंदर जाते हैं, 1 लाख की जगह पे 500 लोगों को अंदर जाने, तो 500 लोग जब बाहर आएंगे तो दूसरी टिकट पर लोग अंदर जाए, ये सिस्टम देवनार में ला सकते थे, कोई इसमें इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उनको नहीं लाना था, लोगों को परेशान करना था, मुसलमानों को परेशान करना था, बकरीद खराब करना था, इसीलिए खास तौर पर ये सब साजिश रची गई है। और सरकारी बाबू, जितने सरकारी अधिकारी, उनके हाँ में हाँ ये मंत्री ने मिला, इन मंत्रियों को अपना काम, अपनी बात मनवाने नहीं आता, अपनी सरकार से अपनी बात मनवा के लेने नहीं आता, ये सिर्फ मुझे लगता है कि सरकारी बाबुओं की दलाली करने के लिए बैठे हुए, इनके पास कोई ताकत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कौम का जज्बा नहीं है। अगर कौम का जज्बा होता तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालते और मुसलमानों को बड़ी राहत देते, रमज़ान में भी यही किया इन्होंने और अभी बकरीद में भी ये किया। मैं उससे आगे और कहूँगा कि लोगों को गोश्त खाने की चिंता है, बकरे की चिंता है, कुर्बानी की चिंता है, लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान लीडर और किसी भी मुसलमान मंत्री को मस्जिद खुलाने की चिंता नहीं है। एक भी मंत्री जाके बोलता नहीं है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री को कि हमारी मस्जिदें खोलो। हमारी मस्जिदों में अगर 1,000 लोगों की जगह है नमाज पढ़ने की, सब मस्जिदें बड़ी बड़ी हमारी, तो 1,000 लोगों के अंदर हमको 50 लोगों को परमिशन दो, 100 लोग को परमिशन दो, लेकिन वो नहीं दे रहे। 5 लोग, यानी 5 जितने जो बांगी साहब है, साफ सफाई वाला है, इमाम साहब है, बस वही 5 लोग रहेंगे और एक्स्ट्रा आदमी बाहर नहीं आएगा। तो ये कब तक चलेगा? कब तक आप लोग हमको बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक ये सरकार को कहकर, ये सरकार में रहकर लोगों को गुमराह करेंगे? मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस सरकार में रहकर मर्द बनकर, मुसलमान बनकर मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमानों को इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए था,
मेरी सरकार जब थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, मैं एक ही बोलूँगा, जब हाजी अली की मस्जिद का मामला जब आया तो महाराष्ट्र का मर्द मुजाहिद हमारा मुख्यमंत्री ने एक घंटे के अंदर उसका फैसला किया और मस्जिद टूटने नहीं दी। ऐसे कई काम 5 सालों के अंदर ऐसी कोई दिक्कत मुसलमानों पे नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई, लेकिन फिर भी क्या इनाम दिया गया, ये हिंदुओं की पार्टी है। लगभग 10 जिम्मेदार, जिसमें अबू हाशिम आजमी, नसीम खान, नवाब मलिक से लेकर ऐसे तमाम 10 MLA मंत्री गए थे और फिर भी सरकार को नहीं मनवा पाए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।